नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं रितेश कुमार। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आंगनबाड़ी मासिक प्रगति रिपोर्ट AMPR के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको समझा के बताऊंगा, और ये भी आपको बताऊंगा कि इसमें आप AMPR को कैसे भरते हैं और ये AMPR होता क्या है। तो दरअसल ये AMPR आप लोगों के आंगनबाड़ी केंद्र में जितने भी बच्चे हैं और जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी का रिकॉर्ड भर के आपको ऑफिस में 25 से 30 तारीख तक जमा करना होता है। तो उसी के बारे में मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि आप लोग इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, जो कि ये ऑफलाइन फॉर्म है। अगर ये मेरा वीडियो नए आंगनबाड़ी सेविका देख रही हैं तो इस वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखें, और जो भी मैं इसमें बातें बताऊँ उसको आप लोग ध्यान से सुने और समझें कि इसमें क्या क्या रिकॉर्ड भरना होता है। अगर जो भी आंगनबाड़ी पहले से ये रिकॉर्ड भर रही हैं तो भी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ कुछ टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इस वीडियो से सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये कि मैंने यहाँ पे समेकित बाल विकास सेवा परियोजना ICDS का एक फॉर्म लेके रखा है, और ये फॉर्म आपको ऑफिस से मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्या क्या भरना है डिटेल्स मैं आपको यहाँ आगे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं माह का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। माह के ऑप्शन में आपको यहाँ पे जून लिख देना है, यानी कि जिस माह में आप इसका रिकॉर्ड भर रहे हैं उस महीने का आपको केवल नाम लिख देना है। उसके बाद साल में आपको यहाँ पे 2021 लिख देना है। उसके बाद आते हैं आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में, जान लेते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपने राज्य का नाम डाल देना है, यहाँ पर ज़िले का नाम डाल देना है, यहाँ पर परियोजना, तो परियोजना में आपको आपका जो भी प्रखंड पड़ता है उसको यहाँ पे डाल देंगे, और क्षेत्र में यहाँ पे सेक्टर लिख के, सेक्टर लिखने के बाद यहाँ पे आपका जो भी सेक्टर पड़ेगा आप यहाँ पे उस सेक्टर का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, तो अपने केंद्र का नाम लिख देंगे और आंगनबाड़ी केंद्र का कोड। उसके बाद आते हैं यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र के प्रकार, यहाँ पर प्रकार में आपको बहुत सारे प्रकार दिख जाएंगे, तो आपको क्या करना है कि आप लोग रेगुलर वाले ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, क्योंकि हम लोग का आंगनबाड़ी केंद्र रेगुलर चलता है। और उसके बाद यहाँ पे टिक लगाना है कि ग्रामीण में आपका आंगनबाड़ी केंद्र चलता है या शहरी में चलता है, तो हम लोग को ग्रामीण पे टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका मकान कच्चा है या पक्का है जहाँ पर आप लोग पढ़ाते हैं, तो जो भी मकान है कि आपका पक्का होगा तो पक्का पर टिक लगाइएगा और कच्चा होगा तो कच्चा पर टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है अपना भवन, तो आंगनबाड़ी का अपना भवन है तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। आंगनबाड़ी की तरफ से जो आंगनबाड़ी बनाया गया है उसके लिए आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। उसके बाद अगर आप लोग किराए पे आप लोग रूम लेके बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग इसमें टिक लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे समुदाय, यानी कि सामुदायिक भवन, सरकारी भवन, अगर किसी सरकारी भवन सामुदायिक भवन में आप लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग इस पर टिक लगा देंगे। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दे रहा है खुली जगह में, तो आप लोग खुली जगह में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे टिक लगा देना है। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे पूछ रहा है आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका की स्थिति, तो आप लोग यहाँ पे स्थिति दर्शाना है, आंगनबाड़ी सेविका की स्थिति इस पर हाँ पे टिक लगा देना है, आंगनबाड़ी सहायिका की स्थिति तो इस पर भी हाँ पे टिक लगा देना है, अतिरिक्त कार्यकर्ता की स्थिति, अगर अतिरिक्त कार्यकर्ता आपके केंद्र में आते हैं ANM हो गई, आशा हो गई, अगर वो लोग आपके केंद्र पे महीने में एक दो बार आती हैं तो आपको यहाँ पे हाँ पे टिक लगा देना है। लिंक कार्यकर्ता की स्थिति में आपको सिर्फ नहीं पे टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रति आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के अनुसार कुल जनसंख्या, तो आप लोगों ने रजिस्टर में जितने भी जनसंख्या को सर्वे किया है उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे आपको डालना है बच्चे 0 से 6 माह तक कितने हैं, उसको यहाँ पे संख्या में आपको लिख देना है। उसके बाद 6 माह से 3 साल तक के कितने बच्चे हैं उसको यहाँ पे लिख देना है, और बच्चे 3 से 6 साल तक कितने हैं उसको यहाँ पे लिख देना है। आपके पोषक क्षेत्र में कितने गर्भवती महिला और कितने धात्री कराने वाली माँ हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पर आपको डाल देना है। आप लोगों ने जितने भी सर्वे में गर्भवती महिला, धात्री महिला या जितने भी बच्चे हैं पोषक क्षेत्र में, सिर्फ उन्हीं लोगों का यहाँ पे संख्या लिखना है। आप लोग अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, आप लोग लाइक कीजिएगा तभी
हमें खुशी होगी। और इसी प्रकार से हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे, तो एक लाइक ज़रूर कर दें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र के कामकाज और उपलब्ध कराई गई सेवाएं, तो आंगनवाड़ी कार्य दिवसों की संख्या यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 25 लिखा है, क्योंकि 25 दिनों के लिए आंगनवाड़ी सेंटर चलाया जाता है। पहले 26-27 डाला जाता था, लेकिन अब यहाँ पे 25 दिन का ही दिखाना है। तो यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा पूरक पोषाहार दिए गए दिनों की संख्या डालना है। जैसे कि यहाँ पे सुबह का नाश्ता हो गया, गर्म पकाया भोजन और THR। तो फिलहाल अभी लॉकडाउन चल रहा है, अगर आप लोग अभी ये सब रिकॉर्ड भर रहे हैं, जब तक स्कूल नहीं खुल रहा है तब तक अभी सुबह का नाश्ता में 0 डालना है, गर्म पकाया भोजन 0 डालना है। इसलिए क्योंकि जो भी बच्चे हैं उनको अभी जो पोषाहार मिलता है, अभी उनको ये पोषाहार नहीं मिल रहा है। अगर जब स्कूल चालू हो जाएगा तो उनको उनके लिए जो भी पोषाहार की व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आपको उसका डिटेल्स भरना है। उसके बाद यहाँ पे THR राशन घर ले जाने के लिए, तो THR का जिस दिन भी आप लोग महीने में एक बार करती हैं तो उसका सिर्फ यहाँ पे 25 दिन लिख देना है, क्योंकि 25 दिनों में सिर्फ आपको एक ही बार THR बांटना होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आंगनवाड़ी द्वारा आयोजित स्कूल पूर्व शिक्षा दिनों की संख्या, तो जिन बच्चों को आप लोग आंगनवाड़ी केंद्र में शिक्षा दे रहे हैं उनके सिर्फ दिनों की संख्या यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे भी आपको 25 ही लिखना है। उसके बाद आगे है सेवाएं, सेवाएं में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि सेवाएं, यहाँ पे लाभार्थियों को पूरक पोषाहार दिया गया 21+ दिन रिपोर्टिंग माह में। तो ये जब आप लोग रिपोर्टिंग माह में ये फॉर्म भरेंगी तो 21+ दिनों की जो भी रिपोर्टिंग होगी आपको इसमें डालना है। और एक बात आप लोगों को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो आप देख रहे हैं 5वां नंबर में, यहाँ पर उसी बच्चे और उसी गर्भवती महिला को रखेंगे जिनको आप पोषाहार दे रही हैं। तो आप लोगों को देख लेना है कि इसमें से कितने बच्चे को और कितने गर्भवती महिला को आप इसमें पोषाहार दे रही हैं, उन्हीं का डिटेल्स यहाँ पर भरेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कैसे भरना है। 6 से 36 माह तक, यानी कि 6 माह से लेकर 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अगर आप लोग THR दे रहे हैं, जैसे कि 40 बच्चों को THR दे रहे हैं, तो 40 बच्चों का यहाँ पे डिटेल्स डालना है लड़के लड़कियों को मिलाकर। और यहाँ पे लड़के लड़कियाँ यानी कि 36 माह से 72 माह तक, 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में जो लड़के लड़कियाँ हैं उनका रिकॉर्ड डालना है। तो अभी इसमें आप लोग कुछ नहीं डालिएगा, क्योंकि 3 से 6 साल के बीच में जो लड़के लड़कियाँ हैं उनका पोषाहार अभी नहीं आ रहा है। तो जब उन लोगों का पोषाहार आएगा तब इसमें आप लोग को डाटा फीड करना होगा। अभी के लिए फ़िलहाल आप लोग 00 जितने भी हैं उसको 00 करके आप लोग छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे गर्भवती महिला और धात्री महिला, और यहाँ पे स्कूल पूर्व शिक्षा बच्चे 36 से 72 माह, यही वाला जो ऑप्शन दिखा रहा है उसको आप लोग यहाँ पे डालिएगा कि कितने बच्चे हैं जो आपके स्कूल पूर्व शिक्षा ले रहे हैं, तो उन लोगों का रिकॉर्ड यहाँ पर डालेंगे। और जैसे कि अनुसूचित जाति से कितने बच्चे आ रहे हैं, 40 बच्चों में से आपको यहाँ पे 6 माह से 36 माह तक के कितने बच्चे हैं बारी बारी से डालना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, तो अनुसूचित जाति में कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चियाँ आती है यानी कितने लड़कियाँ आती है, तो उनको यहाँ पे डालना है। 40 बच्चों में से ही आपको ये सारा चीज़ दे के आपको डाल देना है और यहाँ पर 40 पूरा कर लेना है। अगर आपके केंद्र में 35 बच्चे हैं तो सिर्फ 35 बच्चों का ही रिकॉर्ड भरना है। और यहाँ पे कुल में से अल्पसंख्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो 40 बच्चों में से ही आपको जो अल्पसंख्यक मुस्लिम जाति के बच्चे हैं वो कितने हैं, 2 हैं कि 4 हैं, 40 में से 2 बच्चे को घटा देंगे तो 38 बच्चों का यहाँ पे रिकॉर्ड डालेंगे। तो 38 बच्चों में से देख लेंगे कि कितने लड़के हैं कितने लड़कियाँ हैं, तो किस कैटेगरी से आते हैं उनका रिकॉर्ड भी आपको यहीं पर डालना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको महिला में गर्भवती और धात्री महिला को भी डालना है। तो महिला में आप देख लेते हैं जो कि गर्भवती और धात्री महिला हैं, आप कितने लोगों को यहाँ पे पोषाहार दे रही हैं, सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड डालना है। तो 16 लोगों को अगर आप लोग पोषाहार दे रही हैं, 8 और 8 यहाँ पे 16 लिख लेना है। तो 16 लोगों में कौन किस कैटेगरी से आते हैं उनके सामने आप यहाँ पर उसका एंट्री कर देंगे। अगर आपके गर्भवती 10 हैं तो यहाँ पर धात्री आपको यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को मिला के यहाँ पे 16 महिलाओं को
इंट्री करना होता है। तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि जो बच्चे हैं स्कूल पूर्व शिक्षा ले रहे हैं उनका रिकॉर्ड डालेंगे कि वो किस श्रेणी से आते हैं, अनुसूचित जाति से कितने बच्चे आते हैं, अनुसूचित जनजाति से कितने बच्चे आते हैं और कितने लड़कियाँ आती हैं, उन सभी को रिकॉर्ड भर के यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे है ICDS वृद्धि निगरानी चार्ट के अनुसार बच्चों के पोषण स्तर का वर्गीकरण। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वृद्धि निगरानी चार्ट होती है जिसको आप लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं, बच्चों के वजन करना और उसकी लंबाई को मेंटेन करना, तो उसी को यहाँ पे डालना है। अगर आप लोग वृद्धि निगरानी चार्ट के बारे में पूरा फुल डिटेल्स जानना चाहते हैं कि कैसे बच्चों का वृद्धि निगरानी चार्ट भरा जाता है, तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को देख सकते हैं। और देखने के बाद आपका जो भी वृद्धि निगरानी चार्ट में भरने में दिक्कत आती है, आपको उस वीडियो देखने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में यहाँ पर डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आगे बात कर लूँ कि कैसे इसमें भरना है। तो लड़के और लड़कियों का यहाँ पे वृद्धि निगरानी चार्ट के अनुसार डालना है। तो यहाँ पे तीन ग्रेड दिया रहता है, जैसे कि ग्रीन ग्रेड यानी कि सामान्य वर्ग, यहाँ पे मध्यम वर्ग में कितने लड़के हैं जो कि येलो ग्रेड में आते हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे डाल देंगे, और जो गंभीर रूप से अल्प वजन कुपोषण के शिकार हैं, अगर आपके क्षेत्र में एक दो बच्चे मिलते हैं तो इसमें डालिएगा, नहीं तो इसमें डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे बच्चों की संख्या है जो कि 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में आप लोगों को डालना होता है लड़के और लड़कियों को। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी देख लीजिएगा सामान्य में कितने लड़के आते हैं और कितने लड़कियाँ आती है, और मध्यम वर्ग में मध्यम अल्प वजन कितने बच्चे हैं और कितने बच्चियाँ हैं उनका रिकॉर्ड आपको यहाँ पर 3 से 5 वर्ष वाले कैटेगरी में लिख देना है। लड़के और लड़कियों के लिए WHO नए वृद्धि चार्ट वजन कराने के लिए उम्र के 5 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है, तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है पीने का पानी उपलब्ध, आपके केंद्र में पीने के लिए पानी उपलब्ध है? उपलब्ध है तो हाँ पे टिक करेंगे और नहीं है तो नहीं पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शौचालय उपलब्ध, तो आपके केंद्र में शौचालय उपलब्ध है तो हाँ पे टिक करेंगे और नहीं है तो नहीं पे टिक करेंगे। और यहाँ पे पानी की सुविधा शौचालय में उपलब्ध है, तो जो शौचालय बना है उसमें पानी की सुविधा उपलब्ध है तो हाँ पे टिक कीजिएगा, नहीं है तो नहीं पे टिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है 11 से 11, 12, 13 जो कॉलम दिखाई दे रहा है उसमें आप लोगों को क्या भरना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आंगनबाड़ी भवन का छवि स्थिति, पीने के पानी के छवि स्थिति, आंगनबाड़ी शौचालय का छवि स्थिति, तो इन तीनों को मिला के आपको संलग्न लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस VHND की गतिविधि सारांश, तो VHND यानी कि विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे होता है, तो उसके यहाँ पे कुछ कॉलम दिए गए हैं उसको आपको हाँ नहीं में टिक लगाना है। तो यहाँ पे है कॉम में दिखा रहा है क्या VHND योजना बनाई तिथि पर आयोजित किया गया था, तो आपको हाँ पे टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता VHND के दौरान उपस्थित थे तो हाँ पे टिक लगाएंगे। विटामिन ए के पूरक प्रबंधित थे तो हाँ पे टिक लगाएंगे। किसी भी प्रसव जांच का आयोजन हुआ था तो हाँ पे टिक लगाएंगे। क्या गांव के मुखिया VHSNC सदस्यों ने भाग लिया, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस जब आप लोगों ने मनाया तो उस दिन गांव के मुखिया ने भाग लिया था या उनके सदस्यों ने भाग लिया था, तो हाँ पे क्लिक करेंगे और नहीं लिए थे तो नहीं पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कीड़ा नाशक गोली एल्बेंडाजोल की संख्या आंगनवाड़ी में 19 साल तक के बच्चों के लिए प्रबंधित किया गया, तो एल्बेंडाजोल की जो गोटी आती है, दवाई आती है, वो आपके केंद्र पर प्रबंधित किया गया, अगर किया गया है तो हाँ लिखेंगे और नहीं किया गया तो नहीं लिखेंगे। कीड़ा नाशक गोली दी गई बच्चों की संख्या, तो संख्या को भरना है, तो 1 से 2 साल तक के बच्चे को आधा टैबलेट देना है और 2 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे को 1 टैबलेट देना है, तो यहाँ पे लिख देना है कि 1 से 2 साल तक कितने बच्चे हैं जिनको टैबलेट दिया गया। उसके बाद यहाँ पर प्लस लिख देंगे और 2 से 19 साल के बच्चे को कितने बच्चे हैं जिनको
एक एक टैबलेट दिया गया, तो दोनों को प्लस करके लिख देंगे यहाँ पे। स्कूल पूर्व बच्चों की संख्या, तो इसमें स्कूल पूर्व बच्चों की संख्या डालना है कि स्कूल पूर्व बच्चे कितने आपके केंद्र में है जो शिक्षा ले रहे हैं, तो उसको यहाँ पे सिर्फ अंक में डाल देना है। जो जितने भी बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों का यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद लास्ट में आपको पूछ रहा है यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या, तो जो आपके केंद्र से बच्चे निकल रहे हैं यानी कि छः साल से ऊपर हो जा रहे हैं, तो वो कितने बच्चे निकले हैं आपके केंद्र से प्रति माह में दिखाना है आपको। तो अगर एक बच्चा आपके केंद्र से निकलता है तो आपको यहाँ पे एक लिख देना है, और दो बच्चा निकलता है जो कि 6 साल से ऊपर हो जाता है तो आपको यहाँ पे 2 लिख देना है। इसी प्रकार से आपको अपना पूरा डिटेल सब भर लेना है, भर के एक बार फिर से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको अपने ऑफिस में जमा करा देना होता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये पूरी डिटेल्स अच्छे से समझा दिया है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।